कांगड़ा घाटी में पेड़ों को सरेआम छलनी किया जा रहा है। पेड़ों पर कील ठोककर होर्डिंग्स टांगे जा रहे हैं, लेकिन ना तो विभाग और ना ही कोई समाज सेवी संस्था इसके विरोध में कुछ बोल रही है। गौर रहे कि कांगड़ा घाटी की नेशनल हाईवे सड़कों के किनारे दर्जनों ऐसे पेड़ हैं जहां पर दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों ने अपने अपने शीर्ष पंक्ति के नेताओं के होर्डिंग्स टांगे हैं, जो कि सरेआम सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों की अवहेलना करती नजर आ रही है। इसमें कई निजी कंपनियों का प्रचार और प्रसार करने में पीछे नहीं है और विभाग इस पर सुस्त नजर आ रहा है। कांगड़ा घाटी में इन दिनों राजनीतिक दलों की हलचल बढ़ गई है और अपने चुनावी प्रचार में दोनों ही दल साम दाम दंड भेद की नीति को लेकर कमर कस रहे हैं। चुनावों में अपने प्रचार को लेकर ये दोनों दल सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों को भी भूल गए हैं। पेड़ों को जख्मी नहीं करना है, लेकिन पेड़ों पर टंगे होर्डिंग्स इस बात की गवाही दे रहे हैं कि इन पेड़ों को अपने चुनावी प्रचार करने का साधन बना लिया गया है। आखिर इन दोनों दलों को क्या मजबूरी बन गई कि पेड़ों पर कील ठोक कर अपनी पार्टी के होर्डिंग्स टांग दिए। एक तरफ तो सरकार ने पेड़ लगाओ पर्यावरण बचाओ का नारा दिया है, दूसरी तरफ खुद राजनीतिक दल इस नारे की धज्जियां उड़ाने में कामयाब रहे हैं। जबकि पेड़ों पर कील ठोकने के बाद पेड़ धीरे धीरे सूख रहे हैं, इससे पर्यावरण संरक्षण के दावे भी हवा हो रहे हैं। बहरहाल कांगड़ा घाटी में NH किनारे सरेआम पेड़ों पर बोर्ड टांग कर कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और प्रशासन आंखें मूंद कर बैठा है। हैरत की बात है कि NH पर जहां राजनीतिक दलों ने अपनी पार्टी के बोर्ड टांगे हैं, वहीं इनको देखकर कई निजी कंपनियों ने पेड़ों पर कील ठोक कर अपने अपने बोर्ड टांग दिए हैं, जिसके कारण हरे भरे पेड़ सूख रहे हैं। इन सब पर संबंधित विभाग की नजर ही नहीं पड़ रही है। भले ही शहर में सूखे पेड़ों को काटा जा रहा है, लेकिन पेड़ कैसे सूख रहे हैं इस बारे में जानने का कोई प्रयास नहीं करता है। इस सारे मामले में जब DFO धर्मशाला से बात की गई तो उनका कहना है कि ऐसा कोई मामला उनके ध्यान में नहीं था, लेकिन जैसे ही उनके ध्यान में मामला आया है, जल्द ही इस संदर्भ में कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। DFO प्रवीण ठाकुर ने कहा कि चाहे राजनीतिक दल हो या कोई निजी कंपनी, किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा। देखिए, सबसे पहले तो मुख्य उद्देश्य जो हमारे विभाग करेगा, अभी आपने मामला संज्ञान में लाया हुआ है, तो सबसे पहले हम होर्डिंग्स को हटवाने का काम शुरू करवाते हैं। उसके बाद जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ जो है कानून के तहत जो है कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। कोई भी, चाहे वो राजनीतिक पार्टी हो, चाहे वो इंडिविजुअल बॉडी हो, चाहे वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो, जो भी लॉ का वायोलेशन करेगा उसको हम जो है, जो हमारे प्रोविजन है कानून के तहत, सबको जो है कार्यवाही सब पे लाई जाएगी। उसमें कोई भी भेदभाव नहीं करेंगे।